डेफिनेशन, डेफिनेशन हमें क्या कहती है? डेफिनेशन हमें ये कहती है कि वो अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया पर इस तरह से खर्च करता है, मुख्तलिफ अशिया पर खर्च करे, स्पेंड द इनकम बोथ आइटम, कि उसका अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर देखें कि कंज्यूमर, यहाँ पर यहाँ देखें कि वो टू कंज्यूम एडुकेट द इनकम ऑन वेरियस गुड ए बी सी डी। तो देखते हैं अगर वो दोनों पर खर्च करें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो 3 रुपीज़ जो है वो एक्स पर स्पेंड कर ले और 2 रुपीज़ वाई पर, यानी टोटल 5 रुपीज़ हो गए 3 और 2। ठीक है, अब इन सबको ऐड करें, ये मैंने नीचे ऐड किया, तो बेटा देखिए 240 मीन्स जब वो अपने इनकम को दोनों चीज़ों पे इस बदल बदल के खर्च करता है कि कुछ अमाउंट एक्स की ले लो कुछ वाई की, तो उसको अफादा ज़्यादा मिल रहा है, ना कि वो तमाम की तमाम इनकम को स्पेंड करे एक्स पे तो 200 है, ना ही वो तमाम की इनकम को स्पेंड करे वाई पे तो 150 है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस तरह से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने खर्च को इस तरह से मुख्तलिफ अशिया पर खर्च करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि 3 रुपये पर 2 पैसे पर उसको ज़्यादा यूटिलिटी हासिल होती है। ये बेटा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है। ठीक है, अब बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा बेटा? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के तहत, कि ये आपको मैं ये फार्मूला आपको पहले भी बताया। फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल आप बेटा कहते हो कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए 100 है, प्राइस फॉर एग्जाम्पल ए एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं एप्पल की प्राइस 2 रुपीज़ है, ओके, मार्जिन यूटिलिटी बी 200 है, प्राइस ऑफ बी बेटा है 40, ठीक है, ये बेटा इधर 20 आना था, ये हम एक मिनट है, ये मैं साथ ही इसको सही कर देती हूँ, ये बेटा इधर 20 होगा, ठीक है 20, ठीक है 20, तभी हम देन हम ये 20 को हम डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना, 5 आ जाएगा, ये 40 है, ठीक है, इसकी प्राइस ऑफ बी क्या है बेटा 40 है, ठीक है, तो ये बेटा आपके पास 5 आ गया, देखें नीचे इनको सॉल्व किया हुआ, ठीक है, सी की मार्जिन यूटिलिटी 400 है, ये 80 है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया, ठीक है, इसी तरह बेटा मार्जिन यूटिलिटी डी 50 है, मोतदीन फादा डी का, ये आप ले लेंगे एप्रीकोट है, डी है 50 और प्राइस ऑफ एप्रीकोट 10 रुपीज़ पर के जी, तो ये 5, ठीक है, आप देख रहे हैं ए फॉर एग्जांपल मैंगो है, बी फॉर एग्जांपल एप्पल है, सी फॉर एग्जांपल बनाना है, डी फॉर एग्जांपल एप्रीकोट है, ये नीचे उनकी पर के जी पर यूनिट प्राइस आ रही है। आपने जब इन सब को उनकी प्राइस से डिवाइड किया उनकी मार्जिन यूटिलिटी को, देन यू कैन सी उन सब की मार्जिन यूटिलिटी क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कि वो अपने खर्च को बदल बदल के मुख्तलिफ अशिया पर इस तरीके से खर्च कर रहा है कि इन द एंड उसका जो मोतती मफादा है वो आपस में बराबर है। इस फार्मूले पे आप बेशक बेटा ये आप इसी तरीके से लगाएं, यही वैल्यूज़ लिखें, आप यही टेबल्स की वैल्यूज़ भी पेपर में सॉल्व करें, यही फार्मूला लिखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बेटा ये सब एक MCQs क्वेश्चन है जो बेटा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसे मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ बेटा। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कानून इस्तबदार इसे कहते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कानून इस्तबदार, ये एक सेकंड नेम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का। अगर आपको पूछा जाए ना कानून मुसावी अफादा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को कहते हैं कानून मुसावी मोहतिम अफादा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम लॉ कानून इस्तबदार है, सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ कंजम्पशन भी सेकंड नेम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का, यानी इसके ये दोनों नाम इसी के हैं। ये अक्सर आता है एमसीक्यू में, बच्चों को नहीं पता होता, कानून इस्तदार और कानून सर्फ या कानून दौलत, ये दोनों नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के। विच इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब जो है वो किसकी बुनियाद है? वो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, कि आपकी तलब भी कम होती जाती है, इसी तरह आपकी यूटिलिटी भी कम होती जाती है। ठीक है, कानून मोतती में ये इसी की है। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ मनी इन एल रॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इसको बेटा ये भी कहते हैं, यानी उसमें जो आपकी आमदनी का फायदा होता है ना बेटा, वो इसमें हम कहते हैं कि कॉन्स्टेंट होता है। ये आपने याद रखना है, हम कहते हैं इस कानून में ये एक अजम्पशन है, ये मफरूजा है कि एक सारिफ की जो इनकम है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये बात आपको मैं बता दी है कि पॉइंट ऑफ स्टेशन पर मार्जिन यूटिलिटी आपकी क्या होगी, 0 होगी, और टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आपको पता है
है मार्जिनिटी क्या होती है, एडिशन यूनिट से हासिल होने वाली, अगली इकाई से हासिल होने वाला फायदा, और यूटिलिटीज मेजरेबल है, ये किसने कहा था, ये मार्शल ने कहा था। बेटा ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट है जो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू।